हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके जो आधार कार्ड है उस पर से आप कितने सारे सिम आपने निकाल रखा है, या फिर आपके आधार कार्ड से कौन कौन सिम कार्ड यूज कर रहा है। हो सकता है आपके आधार कार्ड पे 10-15 सिम निकले हो बट आपको पता ही ना हो, तो आप उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, मैं आपको वही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ज्यादा लेट न करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष आर्यन और आप देख रहे हैं T4Tech। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चेक करने के लिए अपने मोबाइल या डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हो वहाँ पे अपने आप ब्राउजर खोल लेंगे। आप जो भी ब्राउजर यूज करते होंगे, मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ तो मैं क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। और यहाँ पे आप सर्च करेंगे TFCOP, TFCOP। आप ध्यान से स्पेलिंग लिख लेंगे। ये सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट आपके पास आता है वही वाला वेबसाइट आपको खोलना है। ये वेबसाइट यहाँ से खोल लेंगे आप अपने मोबाइल पे, अगर चला रहे तो मोबाइल पे ही आपको यूज़ कर पाएंगे इजीली। और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जिस जो आपके आधार कार्ड से निकला हुआ है वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर इंटर कर लेता हूँ। नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने वहाँ डाला होगा उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेगा। आपका ओटीपी अगर सही होगा तो आपके नंबर आधार कार्ड पे कितना सारा सिम चल रहा है आपको टोटल यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। मेरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिख रहा है, जो कि तो मेरे ही घर में सारा सिम है, यहीं पे मेरे भाई लोग यूज़ करता है। तो आपके आधार कार्ड पे अगर इस तरह से बहुत सारा सिम है तो अगर उसमें से जो आपका है आप यहाँ से देख लेंगे। अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है अगर तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसे आप यहाँ से रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करेंगे तो वो सरकार के पास चला जाएगा। ये बिल्कुल सरकारी वेबसाइट है, वो सरकार के पास चला जाएगा और वहाँ से वो बंद करने के लिए अप्लाई किया जाएगा ताकि वो सिम जल्द से जल्द बंद हो जाए। और अगर आप वो सिम निकालना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो आपका दुकान है, जो भी दुकान आपके पास हो, एयरटेल का सिम है तो एयरटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी सिम है आप इसको अगर पता लगाना चाहें तो वो शो हो जाएगा। तो आप नज़दीकी अपने दुकान पे जाके इस सिम को आप निकाल सकते हैं। अपने आधार कार्ड देंगे, आप खुद निकाल लेंगे या फिर उसे जाके बंद करवा देंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आपके आधार कार्ड पे कितना सारा सिम निकला हुआ है वो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।